अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद ऑफिशियल GSM न्यूज़। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का उन दिनों में से एक दिन है जब मुझ पे गमों के पहाड़ टूट पड़े। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान के मरूफ मजहबी स्कॉलर, पाकिस्तान के सियासतदान, कौमी असम्बली के MLA, गेम शो होस्ट, सियासी शो होस्ट और उनकी गाने नातें हर फन मौला आमिर लियाकत साहब का आज इंतकाल हुआ। जब हमें यह अफसोसनाक खबर मिली तो हमारा दिल गम से बाग बाग हो गया। और छोटा सा था तो मैं आलिम ऑनलाइन देखता था, उसके बाद फिर गेम शो जब वो जियो पे काम करते थे तो उनका काम देखते देखते बहुत मज़ा आया, लेकिन लास्ट में आमिर भाई से नफरत भी हो गई थी जब कंट्रोवर्सी हुई। पहले तोबा से शादी हुई, उसके बाद दानिया शाह से शादी हुई, लेकिन दानिया शाह से शादी के बाद जिस तरह से आमिर लियाकत साहब डिप्रेशन का शिकार हुए, जिस तरह से उस इल्ज़ाम लगे, हमारे पाकिस्तान का एक खासा है कि खुदा ना खास्ता लेडीज़ में जो कुछ भी हो जाए, हमारी कौम, मैं अपनी समेत बात कर रहा हूँ, सारी कौम मर्द को गालियाँ देनी शुरू हो जाती, वो सच हो या झूठ हो। दानिया ने जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए आमिर लियाकत साहब पर, उन कैफियत से आमिर लियाकत साहब निकल नहीं पाए और जिस तरह से उनकी ब्रेना वीडियोस जारी की और पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा होने की बजाय बार बार देख रहे थे, आज आमिर लियाकत साहब चले गए तो हमें बहुत याद आ रहे हैं। हम उनकी मगफरत की दुआएँ करें। क्या ऐसा अच्छा नहीं होता कि हम इन चीज़ों को जो है शेयरिंग करने से रोकते, मना करते ऐसी चीज़ें, लेकिन वो ही हुआ हमारी कौम का जो खासा है। आज पूरा पाकिस्तान मजम्मत भी कर रहा है, इजहार अफसोस भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी भाइयों, पहले शिया जाकिर भी इसी वजह से चल बसे थे, आमिर लियाकत साहब और सराकी के मशहूर शायर और नात का गो शायर शफकत रसूल मेहरवी साहब, वो भी इसी वजह से डिप्रेशन का शिकार होकर गए थे, और आमिर लियाकत भाई भी। तो इंशाल्लाह आमिर लियाकत भाई के जनाजे में भी शिरकत करूँगा और आमिर लियाकत भाई का जो तकदीर है वो अब्दुल्ला शाहगाजी के अहाते में होगी, तो वहाँ भी इंशाल्लाह हाजिर दूंगा। आमिर लियाकत साहब पाकिस्तान का सरमाया थे और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जाना हम सब ने, लेकिन खुदा के लिए यार किसी के साथ इतना बुरा ना करो कि वो ज़िंदगी से ही चला जाए। आमिर लियाकत की ज़रूरत थी पाकिस्तान में, और आमिर लियाकत किसी भी तरह शख्सियत के मालिक नहीं थे, लेकिन लास्ट एक डेढ़ साल के अरसे में जिस तरह से वो बदनाम हुए, बस अल्लाह ताला हम सब को आइंदा के लिए ना करने की तौफीक अता फरमाए, किसी पर बुल्तान तराश इल्ज़ाम, और हमें अच्छा और एक नेक शरीफ बनाने की तौफीक अता फरमाए। आप तमाम दोस्त दुआ करें अल्लाह ताला आमिर भाई को जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।